समर सीजन आ गया है और इसका मतलब ये कि आपकी स्किन का बुरा टाइम भी आ गया है अगर आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि अब आपकी स्किन ज्यादा टाइम तक एक्सट्रीम सन एक्सपोजर में रहेगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम स्वेटिंग होगी, आपकी स्किन ज्यादा ऑयली दिखेगी और सबसे खराब चीज की आपकी स्किन पे टैनिंग भी होगी, वो भी काफी स्पीड से। एक एग्जाम्पल देके बताऊं तो गर्मियों में सिर्फ 5 से 6 दिन में जितनी टैनिंग होती है उसे ऑन एन एवरेज रिमूव करने में 1 से 2 महीने लग सकते हैं, वो भी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद। तो आपने ठंडियों में अपनी स्किन को जितना बचा के रखा है, जितना कवर करके रखा है और आपकी स्किन डिटैन हो चुकी थी, तो वो सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है, वो भी सिर्फ 5 से 6 दिनों में। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी स्किन के साथ ऐसा हो, तो इस वीडियो में आपको 3 टिप्स दूंगा जिसको आप फॉलो करके अपनी स्किन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, चाहे आप एक लड़का हो या फिर एक लड़की हो। पहली टिप ये कि आप अपनी स्किन को ज्यादा से ज्यादा कवर रखो, फुल शर्ट पहनो जब भी आप बाहर निकलो। दूसरी टिप, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। इससे आपको सेफ्टी भी मिलेगी, पुलिस से भी आप बचोगे और आपकी स्किन टैनिंग और पोल्यूशन से भी प्रोटेक्टेड रहेगी। तीसरी चीज में आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपको एक अच्छी सनस्क्रीन खरीदनी पड़ेगी जो आपकी स्किन को एक प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करेगी टैनिंग और सन डैमेज से। और अगर आप ये तीनों टिप्स फॉलो करते हो, इन दैट केस यू आर कंप्लीटली सॉर्टेड फॉर द समर्स। लेकिन अगर आपका बजट सनस्क्रीन खरीदने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, इन दैट केस शुरुआत की 2 चीजें तो जरूर फॉलो करो, क्योंकि वो एकदम मुफ्त है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। और अगर आप तीनों में से एक भी चीज फॉलो नहीं करना चाहते हो, इन दैट केस आपकी स्किन को टैन होने से कोई नहीं बचा सकता अनलेस आप घर से बाहर ही ना निकलो। और अगर आपकी स्किन एक बार टैन हो गई, फिर आप यूट्यूब पे जाके 100 तरीके की वीडियो देखोगे कि हाउ टू रिटेन योर स्किन एट होम, हाउ टू रिटेन योर स्किन इन 10 मिनट्स, हाउ टू रिटेन योर स्किन इंस्टेंटली। एंड लेट मी टेल यू, डिटेनिंग जो प्रोसेस होता है वो काफी स्लो होता है। आपको एक बार डिटेन करने में सारी टैनिंग नहीं रिमूव होगी, आपको उसे रिपीटेडली करना पड़ेगा और उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब ऐसे तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में बहुत सारी सनस्क्रीन है, लेकिन आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सनस्क्रीन की, जो है द डर्माको 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वाजेल। इस सनस्क्रीन की मैं 2 ट्यूब ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, ये है 3rd ट्यूब। दैट्स व्हाई आई थिंक मैं सनस्क्रीन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानता हूँ जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिससे आपकी हेल्प होगी एक वाइस बाइंग डिसीजन लेने में। एंड लेट मी क्लियर दिस आउट, दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय द डर्माको। हेलो, मेरा नाम है ऋषि निषाद, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स टॉक अबाउट इट्स पैकेजिंग। तो कुछ ऐसी पैकेजिंग में आती है सनस्क्रीन, और इस सनस्क्रीन के बॉक्स पे कुछ चीजें लिखी हुई है जिसे मैं फटाफट पढ़ के आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि इनमें से कितनी चीजें सही है। सबसे पहली चीज की ये सनस्क्रीन SPF 50 और PA++++ रेटिंग के साथ आती है। दूसरी चीज, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, यानी आपको UVA एंड UVB दोनों से प्रोटेक्शन देगी, इवन ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्शन देगी जो आपकी फोन स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन से एमिट होती है। तो अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, इन दैट केस ये आपकी हेल्प करेगी। तीसरी चीज, ये सनस्क्रीन फ्रेग्रेंस फ्री है, तो इसमें से ना कोई अच्छी ना बुरी स्मेल आती है। चौथी चीज, ये सनस्क्रीन एक क्विक एब्जॉर्बिंग फॉर्मूला के साथ आती है और इसको हम लोग थोड़ी देर में अभी चेक करेंगे। पांचवी चीज, ये सनस्क्रीन सल्फेट एंड पैराबीन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है एंड डाई फ्री है, जो कि इस टाइम सारे ही स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होना मस्ट है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके सारे इंग्रेडिएंट्स को देख सकते हो। इसके कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, उन पे ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है 1% हाइलुरोनिक एसिड, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और स्किन रिप्लेनिशिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को रिड्यूस करती हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है विटामिन ई, जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी स्किन पे सन से होने वाले डैमेज को रिड्यूस करेगा। और तीसरा मेन इंग्रेडिएंट है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो एक यूवी फिल्टरिंग इंग्रेडिएंट और ये आपकी स्किन पे यूवी रेस को अब्सॉर्ब होने से रोकता है। ये हो गई बात कि ये सनस्क्रीन ऑन पेपर क्या क्या चीजें आपको ऑफर करती है। अब बात करते हैं इन रियल ये सनस्क्रीन कैसी है। तो उसके लिए इस सनस्क्रीन को सबसे पहले अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। तो इस सनस्क्रीन की मैं अच्छी खासी क्वांटिटी लेता हूं, जिससे मेरे फेस पे एक प्रॉपर सनस्क्रीन की लेयर बन सके। आप चाहो तो इस सनस्क्रीन को अपने ईयर्स पे और अपने नेक पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये एरिया भी सन एक्सपोजर में रहता है। अब इस सनस्क्रीन को मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगा, उसके बाद मसाज करूंगा थोड़ी देर तक के, और इस पार्ट को मैं जरा से भी स्किप नहीं करूंगा ताकि आपको पता लग सके कि ये सनस्क्रीन एग्जैक्टली कितना टाइम लेती है आपकी स्किन में अब्सॉर्ब होने में। तो आप देख सकते हो कि इस सनस्क्रीन को प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब होने में कितना टाइम लगता है। एक और चीज की, इससे कोई भी व्हाइट कास्ट या व्हाइट रेजिड्यू मेरे फेस पे नहीं दिख रहा है, जो एक बहुत अच्छी चीज है। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि इस सनस्क्रीन का अब्सॉर्प्शन जो है वो काफी क्विक है। दूसरी चीज, ये आपके फेस पे ड्यूई लुक देगी, जिससे आपका फेस सॉफ्ट एंड सपल लगेगा। और अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप नहीं चाहते कि आप कोई मॉइस्चराइजर यूज करो और सनस्क्रीन भी यूज करो, क्योंकि आपको लगता है उससे आपका फेस और ज्यादा ग्रीजी हो जाएगा, इन दैट केस आप मॉइस्चराइजर को स्किप कर सकते हो और सिर्फ ये सनस्क्रीन यूज करो, और ये आपकी स्किन को इनफ हाइड्रेशन प्रोवाइड कर देगी, वो भी आपकी स्किन को बिना ग्रीजी बनाए।
जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है ऑयली स्किन वालों के लिए। एक इम्पोर्टेंट टिप कि इस सनस्क्रीन को या किसी भी सनस्क्रीन को आप जब लगाओ तो फिर आप 15 से 20 मिनट तक वेट करो, उसके बाद आप घर से बाहर जाओ, क्योंकि इतना टाइम लगता है किसी भी सनस्क्रीन को आपकी स्किन पे अच्छे सेटल होने में और एक्टिवेट होने में। तो लगाने के बाद आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो रहेगा और आपका फेस काफी ज्यादा हाइड्रेटेड भी लगेगा। साथ ही साथ आपको 2 से 3 घंटे तक का अच्छा खासा सन प्रोटेक्शन भी मिलेगा और उसके बाद आपको इसे फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट है कि इस सनस्क्रीन का टेक्सचर काफी ज्यादा लाइट वेट है, तो फिर आप इसे 2-3 बार भी रीअप्लाई करते हो तो भी आपके फेस पे ये काफी ज्यादा हैवी फील नहीं होगी। ओवरऑल मैं कहूंगा कि ये एक अच्छी सनस्क्रीन है और आपके फेस पे एकदम नेचुरल लुक देगी, वो भी अच्छा खासा सन प्रोटेक्शन देने के साथ। इसके ड्रॉबैक की बात करें तो मुझे एक ही ड्रॉबैक लगा, वो ये है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। 80 ग्राम की ट्यूब है और इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 550 से 600 रुपीज। और ये सेम सनस्क्रीन पंप वाले फॉर्म में भी आती है और उसका प्राइस रिवॉल्व करता है अराउंड 430 to 499 रुपीज और उसमें आपको क्वांटिटी मिलती है 50 ग्राम। दैट मींस आपको इवन 100 ग्राम क्वांटिटी भी नहीं मिलती है इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद। और अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर एक नॉर्मल इंसान हो तो फिर आपके लिए ये पैसे थोड़े ज्यादा हैं। और अगर आप इतनी महंगी सनस्क्रीन खरीदोगे तो फिर आप इसे सिर्फ अपने फेस पे ही लगाओगे, नेक पे या ईयर्स पे या फिर हाथ पे आप लगाने से पहले सोचोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये सनस्क्रीन जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम वो एरिया भी सन एक्सपोजर में रहते हैं तो वो भी टैन होते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसीलिए द डर्मा को इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सनस्क्रीन का प्राइस थोड़ा सा आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि ये सनस्क्रीन अच्छी तो है लेकिन एक्सपेंसिव है, के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो फिर अगर थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हो जाए तो सबकी हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने इस सनस्क्रीन के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस हो गया हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेगा। और अगर आप कोई भी बाइंग डिसीजन लेने से पहले कोई और सनस्क्रीन के बारे में भी रिसर्च करना चाहते हो, इन दैट केस आपको राइट साइड में 2 वीडियो मिल जाएंगी, एक है मिनिमलिस्ट एसपीएफ 50 सनस्क्रीन और एक है डॉक्टर सेस सिरेमाइड कॉम्प्लेक्स सनस्क्रीन। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो दोनों वीडियो भी जरूर देखो, आपको पसंद आएगी और आपकी हेल्प भी होगी कोई भी बाइंग डिसीजन लेने में। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड स्टे ग्रूम्ड। रिशनिशा साइनिंग ऑफ, अंटिल यू सी मी नेक्स्ट टाइम।